एक चीज ध्यान देना, ध्रुवी का समीकरण पोलार यानी ध्रुव में बोलते हैं, ऐसे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। कार्तीय निर्देशांक में स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के स्थान पर वाई वाई वन, है ना, इस ढंग से रख करके हम उसको रेखा बनाते हैं, स्पर्श रेखा। तो वैसे ही ध्रुवी रेखा बनाएंगे। हमें दिया है, देखिए क्या क्या दिया है, दीर्घवृत्त, ये हो गया समीकरण नंबर एक, और दूसरा हमको दिया है ये समीकरण नंबर दो। देखिए समीकरण एक का प्राचलिक समीकरण यदि हम देखें तो समीकरण एक पर बिंदु क्या दिया है, एच कॉस फाई और के साइन फाई, ये इसका प्राचलिक समीकरण है। यदि इनको रखो यहां पर तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका प्राचलिक समीकरण है। अब इस बिंदु पर इसका ध्रुवी का समीकरण निकालेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बिंदु एच कॉस फाई के साइन फाई पर दीर्घवृत्त एक दो के ध्रुवी का समीकरण मैं यहां पर लिख देता हूं। यदि एक्स स्क्वायर है तो हम क्या रखते हैं, एक्स एक्स वन, और वाई स्क्वायर है तो वाई वाई वन। तो यदि हम डायरेक्टली रखें तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन कितना बी स्क्वायर इज इक्वल कितना वन होगा। तो इसके हिसाब से यहां पर हमारे पास एक्स, देखो हमारे पास एक्स वन वाई वन कौन है, ये एक्स वन वाई वन है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन की जगह कितना, एच कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई के साइन फाई इज इक्वल कितना बी स्क्वायर। ये आ गया समीकरण, ध्रुवी का रेखा आ गया। अब हम समीकरण तीन को फाई के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ये फाई प्राचल हो गया समझो, इसके लिए समीकरण तीन का फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलो देखो, तो इसका आंशिक अवकलन करोगे तो भाई एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर हो गया, कॉस फाई का माइनस साइन फाई हो गया, ये माइनस आ गया, प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर हो गया, और इसका आ गया कॉस फाई इज इक्वल कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अब इन दोनों को हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, या एक काम करते हैं, फाई का तो विलोपन करना है, ठीक है, तो एक काम करो, ये समीकरण तीन और चार को वर्ग करके जोड़ दो फाई का विलोपन करने के लिए। समीकरण तीन व चार को वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए जोड़िए, इसको करेंगे तो कितना होगा, एक्स एच कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे का करेंगे ना, सॉरी, प्लस वाई के साइन फाई अपॉन बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स एच कॉस सॉरी साइन फाई सेकेंड वाला अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के कॉस फाई ये होल स्क्वायर इज इक्वल, पहला वन है और दूसरा जीरो है, दोनों को जोड़ दिए। अब इसका हुआ एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए पावर फोर वाई स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी पावर फोर प्लस टू एक्स एच कॉस फाई वाई के साइन फाई अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। फिर इसको ब्रेक करो, चलो तो इसका आ गया एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर के पावर फोर वाई स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन बी पावर फोर माइनस टू एक्स एच
साइन फाई वाई के कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल कितना वन, ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब इनमें और इनमें देखो कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए पावर फोर, ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉमन, और प्लस इसमें आएगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी पावर फोर, ये आ गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल कितना हो गया वन। ये वन हो गया, ये वन हो गया, यहाँ एक्स अप एच स्क्वायर अपॉन ए पावर फोर, यहाँ वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी पावर फोर इज इक्वल कितना वन। तो यही क्या होगा अनवलोप का समीकरण। तो बस इसी ढंग से करते जाना है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही बढ़िया हो जाना है, याद रखिएगा, ठीक है।